हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव। अब कुछ परिभाषाएं जो बुक में दी गई हैं वो इस प्रकार हैं कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इंग्लिश में देखें तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेस्ट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर विभव। अब हमने बोला अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो कार्य होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। ये जो हमारा है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इकाई आवेश है, इसको हम अनंत से किसी बिंदु तक अगर लाते हैं तो उसमें जो किया हुआ कार्य होगा वही इस बिंदु का विभव कहलाएगा। इसका प्रतीक V होता है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम्ब, जिसको मिला के बोल दिया हमने इसकी ऐसा यूनिट हो गई विभव की वोल्ट। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, देखो वर्क की डायमेंशन यानी कार्य की डायमेंशन होती है m1 l2 t माइनस टू, और चार्ज आवेश की डायमेंशन होती है a t। सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विभव, उसकी डायमेंशन आ जाएगी m1 l2 t माइनस थ्री a माइनस वन। अब बात आती है इसकी दूसरी यूनिट की, वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है 10 डैश टू 7 अर्ग, और जो चार्ज आवेश की होती है 3 इंटू 10 डैश टू 9 ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सॉल्व करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10 डैश टू माइनस 12 स्टेट वोल्ट। अब एक क्वेश्चन देखो जिससे ये पूरा समझ जाओगे कंसेप्ट। क्वेश्चन ये है कि जो आवेश है वो है 1 कूलम्ब, और जो वर्क डन हो रहा है ना इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में ए पॉइंट तक, वो हो रहा है 20 जूल। तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वी ए यहाँ पे है, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ए पे लाए हैं, वो बराबर क्या होगा, वर्क डन क्या हुआ है इन्फिनिटी से ए तक लाने में, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना है 1 कूलम्ब है। सॉल्व करेंगे देखो अब इन्फिनिटी की वैल्यू हम रखेंगे 0, ठीक। ये अजम्पशन है, जैसे क्वेश्चन में नहीं आता कि मान लो कि इसकी वैल्यू ये है, तो इन्फिनिटी की जो वैल्यू जो साइंटिस्ट ने मानी है ना पोटेंशियल की इन्फिनिटी पे वैल्यू, वो मानी है 0 वोल्ट। तो वी ए बराबर कितना आ जाएगा 20 जूल बटे 1, यानी कि 20 वोल्ट। अब जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, एक होता है नेगेटिव पोटेंशियल। धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव को समझो कि भाई जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो उस वस्तु या फिर चालक पे आप कह सकते हो जो विभव होएगा वो होएगा धनात्मक, और जब वस्तु से पृथ्वी से विद्युत धारा वस्तु की ओर या फिर चालक की ओर प्रवाहित होती है तब उस वस्तु या चालक पे विभव होएगा ऋणात्मक। अब बात करते हैं कि भाई धरती से करंट कैसे आ रहा है और धरती से करंट कैसे जा रहा है, तो अर्थ है। अब अर्थ में मान लो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हुई और हमारे चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई तो होता क्या, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं या फिर उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाते हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ये कहाँ जाएंगे, इस एक के पास जाएंगे, तो ये जैसे ही सारे ऊपर जाएंगे इस चालक में चले जाएंगे। अब इसके अपोजिट करंट बनता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन यूं गए तो करंट आएगा नीचे की तरफ, तो धारा का है वस्तु से पृथ्वी की ओर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल। अब बात करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल कैसे हुआ, जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अर्थ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आए नीचे की तरफ, लेकिन धारा की हम जानते हैं कि जो धारा की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, तो धारा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लो जब दो चार्ज हैं, दोनों सेम आवेश है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों को आपस में लाऊंगा तो मेरे को वर्क डन जो कार्य करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। और अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं तो उनको, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उनको पास लाने में हो सकता है वर्क ही नहीं करना पड़े, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो वर्क डन करना पड़ेगा वो मेरे को पॉजिटिव पोटेंशियल की कंपेयर में तो लगभग ना के बराबर करना पड़ेगा, इसलिए ये आ गया नेगेटिव पोटेंशियल। अब इससे इसको समझते हैं एक सर्किट के थ्रू। मान लो हमारे पास सेल है, उससे सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा बल्ब और सब है इसमें। अब सेल पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, वो उसको समझो। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या होगा कि भाई
वहां पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हायर है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब होगा जो पोटेंशियल है वो लोअर है। हायर पोटेंशियल मतलब कि लोअर पोटेंशियल के कंपैरिजन में वो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल। और जो लोअर पोटेंशियल होगा यानी कि निम्न विभव, वो पॉजिटिव के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। इसलिए उसके लिए लिख दिया हमने नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक विभव। अब हमने पढ़ा था जब वस्तु या फिर चालक से विद्युत धारा बाहर की तरफ जाए तो वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां से बाहर की तरफ जा रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक टर्मिनल होएगा इसका, और इस पे विभव जो होएगा वो धनात्मक होएगा। और जब विद्युत धारा चालक में या फिर वस्तु में आ रही होती है तो उस पे जो विभव होता है वो होता है ऋणात्मक विभव। यहाँ पे देखो ये धारा अंदर आ रही है तो यहाँ पे विभव होगा ऋणात्मक विभव, और ये टर्मिनल होगा ऋणात्मक टर्मिनल। अब जो धनात्मक विभव है या फिर धनात्मक टर्मिनल से समझो, जो धनात्मक टर्मिनल है उधर क्या हो रहा है, उधर जो पोटेंशियल है यानी कि जो विभव है वो उच्च है, और जो ऋणात्मक टर्मिनल है वहां पे जो विभव है वो निम्न है।